क्योंकि मोदी जोगी बोल रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर मुख्यमंत्री कह रहे हैं, इसलिए ये बात को स्वयं शंकर जी कह रहे हैं किसको, पार्वती को। पार्वती कौन है, जगत अम्बा जगत जननी। शंकर जी कौन है, सत्यम शिवम सुंदर। ये शंकर जी कह रहे हैं पार्वती को, बोले पार्वती जगत में सब चीज सुलभ है। भैया क्यों क्यों तेरे बात बैठे सुन जाओ, कोई बात मत करो बाबा, हम कोई बात मत करो। इसलिए यहाँ पर शंकर जी पार्वती को कहते, बोले पार्वती जगत में सब चीज सुलभ है लेकिन एक चीज बड़े दुर्लभ है। तो मैया पार्वती कहती है, प्रभु किस चीज की दुर्लभता है? शंकर जी कहते हैं, सत संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भर एको बना। पार्वती अगर जीवन में थोड़ी सी अगर जीवन में सत्संग मिल जाए, निमिष दंड भर एको भर, अशोक गोस्वामी कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी और आधी से पुनी आध, तुलसी सत्संगत विनाशे कोटि अपराध। इतने सत्संग की महिमा शंकर जी पार्वती को कहते हैं। आप बोले भैया हमें तो कुछ मिला ही नहीं, हम किसको सौभाग्यवान मानते, अगर लटरी लग गया ना, अगर कोई लटरी लग जाए ना, बोले भैया हमारी लटरी लग गया, इसको हम सौभाग्य मानते हैं। लेकिन शंकर जी कहते नहीं, वो सौभाग्य है उतना सौभाग्य नहीं जितने सौभाग्य जीवन में संतों का संघर्ष जो मिलेगा। आप बोले भैया सत्संग से हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा सत्संग से, हम इतना सौभाग्य मानते हैं। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ये सत्संग की इतने महिमा क्यों शंकर जी स्वयं कहते हैं। बोले एक समय कोई एक राजा था, लेकिन घर में कोई संतान नहीं, राजा बड़ा दुखी है, भविष्य में राज गति को कौन संभालेगा। एक दिन एक संत आए, बोले महाराज सब ठीक ठाक है ना, बोले क्या ठीक ठाक है, घर में कोई औलाद नहीं, भविष्य में राजगत सिंहासन कौन संभालेगा, हम तो बड़े चिंता में। संत ने आशीर्वाद किया, कहते जो ना करे लकड़ी, कहते सो करे फकरी। लकड़ी मतलब हमें भाग्य है, तुम्हारी भाग्य में जो नहीं है, अगर सचमुच से कोई संत की कृपा हो जाए ना, वो संभव हो जाता है। संत ने उसका आशीर्वाद दिया, बेटा तेरे एक सुंदर बेटा जन्म लेगा। लेकिन क्या हुआ, बेटा तो जन्म लिया, लेकिन जब छोटा बच्चा छोटा सा बच्चा था, कुछ डाकुओं ने उसको किडनैप कर लिया, पैसा के लोभ से किडनैप कर लिया। कुछ दिन बाद में संत आए, बोले महाराज सब ठीक ठाक है ना, बोले क्या ठीक ठाक, बोले क्यों तेरा बेटा हो गया, बोले ठीक ठाक गड़बड़ किया है, बोले बेटा तो हो गया लेकिन डाकुओं ने उसको किडनैप कर दिया, उसको किडनैप कर लिया डाकुओं ने। लेकिन संत बड़े पहुंचे हुए थे, तो उन्होंने ध्यान लगाया, वो बच्चा गया कहा, ध्यान लगाकर सब कुछ देख लिया, बोले तुम बेटा जिंदा है ठीक ठाक है, बोले अभी जिंदा है, बोले जिंदा और ठीक ठाक भी है, बोले बताओ कहाँ पर बच्चे को मैं ले आता हूँ, बोले गड़बड़ी भी हो गया, बोले क्या गड़बड़ी हो गया, लेकिन जिस डाकू ने उसको उठा करके ले गए थे बचपन में, उसका उसमें होश इतना नहीं था, ज्ञान नहीं था, अभी तो बड़ा हो गया, लेकिन वो कह रहे हैं कि छोटी सी कुटिया में रहते, कहते ये तेरी कुटिया है, तेरा घर ही है, असली पिता माता को उसका परिचय नहीं दे रहे, कहते हम ही तेरे पिता माता है, अपना अपना परिचय, इसलिए वो तुमको भूल ही गई, अगर बच्चे को ले आओगे ना, वो बच्चा तेरे को बच्चा नहीं मानेगा। बोले फिर, बोले अगर आप बोलोगे मैं वो बच्चे को जाकर समझाता हूँ, असली अर्थ में तेरे पिता माता है कौन, तेरे घर कौन है, अगर वो समझ गया तो बच्चे को फिर ले आना, बोले आपको तो बड़ी कृपा होगी। संत गए और बच्चे को अकेला देखा, बोले तेरा, बोले तेरे पिता माता कौन है, जो गुंडे थे ना डाकू, बोले मेरे पिता माता है, बोले घर कहाँ है, जो छोटिया छोटी सी झोपड़ी थी, बोले मेरे घर है, बोले पिता माता कौन है, बोले गुंडे पिता माता, बोले देख बच्चा तेरे को ग्रह से बात बताता हूँ, ये तेरे कोई पिता माता नहीं, ये घर भी तेरा नहीं है। बोले क्या बोल रहे हो, बचपन में यही देखा, बोले इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ। बोले फिर, बोले जब तू छोटा बच्चा था ना, ये देश का राजा रानी तेरे पिता माता, एक दिन ये देश का तो राजा बनने वाला है, लेकिन ये बचपन में ये गुंडों ने तेरे को उठा करके ले आए, असली परिचय नहीं दिया। बोले इसका प्रमाण, बोले प्रमाण ये देख, कहते पिता माता के चेहरा में बच्चा का चेहरा मिलता मिलता है कि नहीं, हम कहते ना इसका पिताजी का देखो बच्चे में वो चेहरा आया, नहीं तो कहते माता जी को देखो उसका चेहरा आया, कभी कभी उसका दादा की चेहरा आता है, कहते मिला हुआ आता है कि नहीं चेहरा, कहते तू कितने देखने में सुंदर लंबे चौड़े गोरे, जिनको तुम पिता माता कहते उनको साथ में मिला करके देख ले, और देश का जो राजा रानी उनको साथ में अपना चेहरा मिला कर देख।
अभी देखो तो उसने इस विषय पर कोई सोचा भी नहीं था। जो उनने गहरा रूप में चिंता किया, बोले बात तो सही बता रहे हो, इनको साथ में मेरा तो कोई भी चेहरा नहीं मिल रहा है, चेहरा तो राजा रानी से मिलता है। बोले बेटा एक दिन देश का राजा रानी, तू राजा बनने वाले, राजा रानी तेरे पिता माता राज महल में रहने वाले, रोज छप्पन भोग 36 व्यंजन खाने वाले, लेकिन तेरे नसीब में भी सूखे रोटी भी नहीं मिल रहा है। घर में जाओगे? घर में जाओगे? आप लोग भी घर में जाओगे? कौन जाना चाहते घर में? बोले हम जाना चाहते हैं। बोले ठीक है, मैं राजा को समझाता हूँ। तेरे उन्होंने राजा को आकर सारी बात बता दिया। अब उस स्थान पर ये गुंडों के अंदर में घिरा हुआ है, सैन्य समझ लेकर के जाओ, घिराव करो और उनको जेल में बंद करो, बच्चे को वापस ले आओ। जो बच्चे को वापस लाया ना, घर देखा राज महल इसका घर, हजार दास दासियां काम कर रहे हैं, राजा रानी उसकी पिता माता, और एक दिन देश का राजा वही है, वही देश का राजा। लेकिन जब घर में वापस आया ना, आनंद ही आनंद है, ये आनंद ही आनंद है। देखो ये जो कथा है ये और किसी की नहीं, हमारी कथा है। इसलिए हमारी गीता में भगवान कृष्ण खुद कहते हैं, कहते हमारे पिता माता कौन है? हम कहते ना तुमैव माता च, बोलो जोर से, पिता तुमैव, तुमैव बंधु सखा, तुमैव, तुमैव विद्याम द्रविणा, तुमैव, तुमैव सर्वम मम देव। सबकी रटा हुआ पड़ा है ना, सब जानते हैं। भगवान कृष्ण गीता में खुद कहते हैं, हे अर्जुन, पिता अहम अस्य जगत धाता माता पिता, ये दुनिया की पिता माता मैं हूँ, जगत का भाई बंधु मैं हूँ। लेकिन जीव असली परिचय को भूल कर नकली परिचय लगा दिया। असली परिचय से कोई मतलब नहीं है, जो नकली परिचय दो दिन में जो खत्म हो जाने वाले। हमारे पिताजी के पिताजी गए कि नहीं? एक दिन हम जाएंगे कि नहीं? कोरोना में कितने लोग गए हैं, जब कहाँ गए? अगर होते तो क्यों चाहते फिर तो रहते ना, फिर गए क्यों? वो तो यहीं पर रहते ना, वो गए सब के सब कहाँ? क्योंकि ये धर्मशाला है। जैसे धर्मशाला में लोग रुकते हैं ना, रात में बैठ कर गप्पे मारते हैं, कहाँ से आए हो? बोले हापुड़ से। बोले तुम कहाँ से? बोले दिल्ली से। बोले तुम कहाँ से? बोले मद्रास से। सवेरे होते ही गए, ये धर्मशाला ही है, घर में घर नहीं, धर्मशाला। तू कौन? बोले मेरे बीबी। बोले तू कौन? बोले तेरे पति। बोले तू कौन? बोले पिता। बोले तू कौन? माता। ये गप्पे मार रहे हो, कुछ नहीं यहाँ पर, केवल गप्पे ही मार रहे हैं और यहाँ कुछ नहीं, और कुछ नहीं। जिसका समय आ जाएगा ना, उसको उतरना पड़ेगा। जैसे ट्रेन में चलते हो ना, जब ट्रेन में चलते टिकट बनाते हैं, खूब बैठ कर गप्पे मारते हैं, कब तक? जहां तक टिकट खत्म नहीं हुआ। टिकट खत्म हो, उतर वहां से उतरना पड़ेगा। ये संसार झूठा है। इसलिए असलियत में पिता माता हमारी कौन है? ठाकुर जी। कौन है? ठाकुर जी पिता माता। लेकिन हम सबके सब किडनैप हो गए, सब यहाँ किडनैप होकर आए, क्योंकि हमारी यहाँ पर कोई किसी मतलब नहीं है। तो मतलब संसार दो दिन के नाता है, तीन दिन में सारे नाता बिखर जाएगा। एक कांच की जैसे धो, उसमें कंकड़ लगे ना, सब बिखर जाती है, ये सबके सब बिखर जाएंगे एक दिन। लेकिन असलियत में हम भगवान के संतान है, उसकी बच्चे हैं। लेकिन ये वो चीज को समझाए कौन? संत। कौन समझाए? संत ने जाकर उसको समझाए, बेटा तुम्हारी अपना घर में वापस चलो, अपना घर में चलो, असली घर में चलो। जब तक कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, जब तक तुम मेरे पास में नहीं आते हो, तब तक संसार का दुख और कष्ट सब भोगना पड़ेगा। लेकिन जब मेरे पास में जीव आ जाएगा, कृष्ण कहते हैं, माम उपतु तु कौन्तेय पुनर्जन्म न मिलते। जब तुम एक बार मेरे को प्राप्त कर लोगे, फिर पुनर्जन्म तुम्हारी होने वाले नहीं, आनंद ही आनंद है। इसलिए घर में जाना चाहते हो? अपना असली घर में कौन जाना चाहते हैं? हाथ उठाओ, कौन कर जाना चाहते हैं? इसलिए वहां जाने के लिए हमें टिकट चाहिए ना, हमें कुछ टिकट चाहिए जाने के लिए। वो टिकट है क्या? भगवान की नाम, ठाकुर जी की नाम। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण, जोर से बोलो, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम। और जोर कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे। यही वहां के जाने के लिए यही एक टिकट है। बाबा आपके कितना बेटे हैं? आपके कितने बेटे हैं? पांच पांडव है।
कौन कौन है पंच पांडव कौन है? एक नंबर एक, नंबर टू कौन है, नंबर दो में कौन है? हाँ, अब तीसरे नंबर कौन है? तीसरे नंबर कौन है? दिख नहीं रहे, ये वहां पर है तीसरे नंबर। और चौथे कौन है? चौथे ये, अब पंचवा चले गए। हाँ ठीक है। और आप लोग का बीवी कहाँ है? सब पत्नियाँ कहाँ? हाथ उठाओ, इनके पत्नियाँ कौन है? ठीक ठीक, अच्छी बात, बैठ बैठ बैठ। हाँ बैठ जाओ। और घर के माता जी कौन है? आपकी पत्नी कौन है? घर वाले नहीं, सब चले गए। ठीक, हाँ देखो भागवत कथा में कौन कौन थे आज? माँ जी कथा हो रही थी, एक दो और कौन थे? हाँ देखो, हम जगत का पैसा, हाँ देखो इधर सुनो, जगत का पैसा तो हम खूब कमा रहे हैं, लेकिन कुछ भगवान की संपत्ति, भगवान की नाम रूपी धन भी कुछ कमानी चाहिए, क्योंकि यहाँ का पैसा तो यही रह जाएगी। आंख बंद होते ही सुई धागा भी यहाँ से जाने वाले नहीं, यहाँ से साथ में क्या जाएगा। इसलिए कहते ना, अंतिम समय जब कोई शरीर छोड़ता है, क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बल गते है, सब कोई बात जुटा, यही बोलते है ना। इसलिए आज वो प्रभु जी एक वहां पर कथा सुनाए थे, आपको मैं दो बार सुना देता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ये कहानी को याद कर लेना, बाद में मैं पूछूंगा, जो नहीं बोल पाएगा उसको खड़े कर दूंगा। फिर ऐसे सुनना, क्योंकि पैसा तो दुनिया का कमा रहे हो, असली पैसा क्या है जो हमारे साथ में जाने वाले? भैया तुम भी थोड़ा ध्यान से सुनो, तुमको पहले पूछूंगा, मैं ये कथा बोल रहा हूँ, ठीक है? ध्यान देकर सुनो। बोले कोई एक राजा था, कहते वो राजा के चार रानियां थी, कितना थी? चार। लेकिन जो सबसे बड़ी रानी थी, राजा उसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था, उसकी मन पसंद चीज को दे देकर खुश करता था। बोले गोलगप्पे खाओगे? बोले हाँ खिलाएंगे। बोले ऐसे साड़ी पहना? बोले साड़ी पहनाएंगे। बोले ऐसे परांठा खाओगे? बोले हाँ। जो मांगता था वही उसको देता था और उसको खुश करता था। राजा की जो दूसरे नंबर की रानी थी, देखने में बड़ी सुंदरी, सब चाहते ना पत्नी मेरी सुंदरी हो, उसको बड़े सुंदर सजा धजा करके रात को पार्क में बैठा देता था, दुनिया को दिखाता था मेरी रानी कितनी प्यारी सुंदरी। राजा की जो तीसरे नंबर की रानी थी, वो बड़ा मीठा मीठा बोली बोलता था। सब व्यक्ति चाहते ना पत्नी घर में आते ही, ऐसे नहीं सास का साथ में ये लड़ाई हुई, दो रानी के साथ में झगड़ा हुई, ये सब नहीं बोले कर कि पति क्या चाहते हैं। घर में आए तो पत्नी इतनी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बात बोले, दिन भर का परिश्रम हमारी लाघव हो जाए, इसलिए बड़ा मीठा मीठा बोलती थी। इसलिए राजा जब घर में आता था, वो चौथी नंबर रानी को पास में बैठता था और उसकी मीठा मीठा बोली सुनकर बड़ी खुश होता था। राजा की जो तीसरी चौथी नंबर की रानी थी, है तो बड़ी प्यारी बड़ी सुंदरी है, लेकिन राजा जब से उसको घर में शादी करके लाया है, उसके साथ कोई मतलब नहीं रखा। कभी पूछा नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, कभी उससे पूछा भी नहीं। वो बेचारी बड़ी दुखी रहती थी, घर में शादी करके लाया पूछता नहीं। अभी राजा का अंतिम समय आया, शरीर छोड़ने का मरने का समय आया, देखा मेरे चार चार रानियां हैं, इनसे पूछ करके देखता हूँ कौन कहाँ तक जाती है। पहला नंबर आई, पहला नंबर की कौन थी? पहले नंबर की पत्नी कौन थी? इतना जल्दी भूल गए तो फिर क्या बोलो? इसकी इच्छा पूरी करता था सारी सब। हाँ बोला, पहला नंबर कौन थी? इतना जल्दी भूल गए फिर क्या याद? इच्छा पूरी करता था। पहला नंबर रानी क्या कौन थी? तो बट्टी की कथा नहीं सुन रहे हो? इच्छा पूरी करता था। इसलिए जो सबसे बड़ी रानी थी, राजा जिसकी सारी इच्छाओं को पूरी करती थी, जो चीज जिस समय मांग करती थी उसको ला करके उसकी इच्छा पूरी करती थी, वो पहले नंबर रानी। तब राजा ने पूछा तू मेरे साथ में चलोगी? बोले चलोगी क्या, तेरे साथ में मैं एक कदम भी चलने वाले नहीं। बोले क्यों, तेरे लिए जो इतना की? बोले ये तेरा कर्तव्य था। बोले तेरी? बोले मेरी कोई कर्तव्य तेरे प्रति नहीं। राजा तो दुखी हो गया। बोले जिसको सबसे ज्यादा प्यार करता था वही धोखे दी। अब दूसरी से पूछी, दूसरी कौन थी? बहुत सुंदर थी। राजा जिसको सजा धजा करके दुनिया को दिखाया करते थे, बोले रानी तू साथ में चलोगी? बोले चलोगी क्या, मैं तो देख रहा हूँ तू कब मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूंगी। बोले दूसरे से शादी क्यों करोगे? बोले तू पहले ही मेरे को दुनिया को दिखा करके रखा, मैं कितने सुंदर, जिसको पास में जाऊंगा वो मेरे को पसंद कर लेगा, मैं दूसरे से शादी कर लूंगी। सुनते ही तो राजा के प्यार को नीचे जमीन ही सरक गई। बोले ये तो रेडी है दूसरे से शादी करने के लिए। अभी तीसरी नंबर से पूछा, तीसरी नंबर कौन थी?
मीठा बोलती थी, जो मीठा मीठा बोलती थी, राजा जिसको बोली सुनकर खुश होता था, बोले साथ में चलोगी, वो थोड़ी सी अच्छी निकली, बोले चलूंगी लेकिन दरवाजा तक चलूंगी, बोले दरवाजा तक चलना कोई चलना है, बोले ज्यादा बोलोगे तो चार कदम तो बढ़ा सकती है आगे लेकिन तेरे साथ में चलने वाले नहीं, बोले भैया तू भी किस काम के नहीं, दरवाजा तक चलना कोई चलना कहते, बोले मैं तो वहीं तक जा सकती, अभी नंबर आती है किसकी, चौथी नंबर आती है, चौथी नंबर से पूछा चौथी कौन थी, ये चीज को अच्छे तरह सुन लो, जो कान खोल करके जो काम की बात है, राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा नेगलेक्ट करके बेकार करके रखा, ये किसी काम के नहीं फेंक करके घर की कोने में रखा था, अभी राजा सोच रहा है इससे पूछू कि नहीं पूछू, क्यों, आप जिसके लिए करोगे उसको पूछ सकते हो, आज जिसके लिए करोगे नहीं उसको क्या पूछोगे, सोचा जब मेरी रानी एक बार पूछ करके देख लेता हूँ, बोले रानी साथ में चलोगी, सुनते ही तो भड़क गई, बोले तेरे को शर्म नहीं लग रहा है, तू जब से शादी करके मेरे को लाए हो कभी पूछा, तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, कभी पूछा, लोग खातिरी से नहीं पूछा, मेरे को तो एक घर के कोण में कचड़े जैसे फेंक करके रखा, अब मरते समय दांत निकाल कर गए तो साथ में चलोगी, बोले देख राजा मैं तेरे को दिल से बहुत प्रेम करती हूँ लेकिन दुख की बात यह है जीवन में एक बार भी मेरे तरफ तुम झांक कर भी नहीं देखा, लेकिन तुमने देख लिया ना जिन जिनों को प्रेम करते थे कहां तक गए देख लिया कि नहीं, बोले हाँ देख लिया, बोले तेरे को मैं दिल से प्रेम करती हूँ, तेरे साथ साथ में चलूंगी, सुख में सुखी दुख में दुखी बनूंगी, बिना खाए पिए तेरे को मैं खाना खिलाऊंगी। राजा तो सुनकर अक्के बक्के चक्के, जिनके लिए हमने जिंदगी दिया कोई जाने के लिए तैयार नहीं, जिसके लिए कुछ भी नहीं किया जाने के लिए तैयार, देखो ये जो राजा और कोई नहीं हम ही है, ये हमारी चार रानियां हैं, इसको अच्छी तरह समझ लो, हमारी वही चार रानियां हमारी है, पहला रानी है राजा जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था, जिसकी मन पसंद को चीज को देख देख कर खुश करता था, कहते तो भैया पहला रानी कौन है जिसको राजा प्रेम ज्यादा प्रेम करता था, आप लोग बोलो किसको ज्यादा प्रेम करता हो, आप लोग कौन कौन किसको ज्यादा प्रेम करता हो, हाथ उठा कौन बोलेगा कौन किसको ज्यादा प्रेम करता हो, चुप क्यों हो गए, आप किसको ज्यादा प्रेम करते हो आपको पता नहीं किसको ज्यादा प्रेम करते हो, किसको प्रेम करते हो बोलो, कोई बोलेगा पति को, कोई बोलेगा बच्चे को, कोई बोलेगा बेटी को, ऐसे तो बोलेंगे ना, यही तो बोलोगे, शास्त्र कहता है कि जगत में प्रेम नाम का कोई चीज है ही नहीं, यहाँ जो प्रेम दिख रहा है ये केवल स्वार्थ की वजह से प्रेम दिख रहा है, चूंकि तुमसे कुछ मिल रहा है, अभी तुमसे कुछ मिल रहा है और मिलना बंद कर दो सारे संबंध हमारे साथ में, संबंध को उसी समय में तोड़ देंगे, उसी समय में सारे संबंध, अब गन्ने को देखो किसी जूस निकाल दे, एक बार मशीन में देगा सारे जूस निकलेगा, थोड़ी सी डबल करके देगा, फिर देगा थोड़ी सी जूस चार डबल करके देगा, बोले थोड़ी सी और है, फिर आठ डबल करके देगा, फिर फेंकेगा नहीं जला कर रसोई बनाएगा, ये संसार ठीक वैसे है, जो प्रेम दिखता है ना चूंकि तुम्हारे अंदर में अभी कुछ खून है चूसने का, इसलिए वो प्रेम दिख रहा है, वो प्रेम दिख रहा है, प्रेम जैसे दिख रहा है, लेकिन देने का बंद करते सारे संबंध, सारा दुनिया हमारे साथ में संबंध तोड़ देते हैं, सारा दुनिया संबंध, तब प्रश्न है फिर हम जीवन में किसको प्रेम कर रहे हैं सबसे ज्यादा, कहते अपने आप को, ये शरीर को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, ये शरीर को जो प्रेम करे, शरीर को जो खिलाए, शरीर को जो को, वही हमारा सब कुछ है, हैं? वही शरीर से पूछा भैया साथ में चलोगे, शरीर बोलता है गोलगप्पे खिलाएंगे खिलाएंगे, बोले जीप में जाएंगे ले जाएंगे, पराठा खिलाएंगे खाएंगे, लेकिन बढ़िया कपड़ा पहनाते शरीर में पूछ जाओगे, आप बताओ अंतिम समय में शरीर जाता है, कितना जब हंस अकेला उड़ जाएगा खाली पिंजरा बड़ा रह जाएगा, ये शरीर साथ नहीं जाने वाले नहीं। दूसरी रानी कौन थी जो सबसे सुंदरी, राजा जिसको दुनिया को दिखाता था ये कौन है सबसे सुंदरी, कहते बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा भैया रुपया, क्यों, पैसा के बगैर कुछ भी नहीं होता है, पैसा के बगैर कुछ नहीं होता है, पैसा रहेगा बढ़िया गाड़ी में घूमेंगे, बढ़िया घर बनाएंगे, बढ़िया साड़ी पहनेंगे, दुनिया को दिखाएंगे देखो हमारे पास में कितने पैसा, पैसा से पूछे साथ में चलोगी, बोले चलूंगी क्या, मैं देख रहा हूँ तू कब मरोगे मैं दूसरे से शादी करूंगी, मतलब क्या है, ये शरीर छूटते ही झट ये पैसा दूसरों के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है, बच्चों का नजर कहाँ पर है, पिताजी कितने प्रॉपर्टी दुकान मकान कहाँ पर, एटीएम कार्ड में कितने पैसा, केवल वही पर नजर है, मैं अपना गांव में जो चीज देखा है,
हमारे गांव के जो सबसे बड़े धनी व्यक्ति था ना, उनके चार बेटे थे, मैं अपने गांव में देखा, किसी बेटे को हिसाब थोड़ा कम पड़ गया था। लेकिन पिताजी जब शरीर छोड़े ना, उसने डंडा लेकर खड़े हो गया। पिताजी के शरीर में जो हाथ लगाया, सर फोड़ दूंगा, पहले पिताजी के काफी को निकालो, ले आओ, कितने पैसा कहाँ पर रखा हुआ, पहले बंटवारा हो जाए। बंटवारा करके पिताजी का लाश को लेकर जाने नहीं दे रहे था। इसलिए जिस पैसा के लिए हम इतने, अगर किसको बोले भैया थोड़ा भगवान की भजन करो, बोले समय कहाँ है, बोले समय कहाँ है, बोले क्यों, बोले बच्चों के लिए पैसा कमा कर जाना है ना। गुरुजी कहते नहीं, बच्चे के लिए ज्यादा पैसा मत कमाओ, और वो होना हर होगा ना, कमा ही लेगा, नालायक बनेगा ना। जितने पैसा तू कमा कर जा रहे ना, जुआ शराब पीकर सब खत्म करेगा। इसलिए गुरुजी कहते थे ऐसे धन कमाओ जो इसी जीवन में तुम भी मालिक बनोगे, अगले जीवन में तुम भी मालिक बनोगे। वो क्या है, भगवान की नाम, भगवान की नाम धन। इसलिए पैसा गई। तीसरी रानी जिसका मीठा मीठा बोली सुनता था, मन की बात बोलता था, ये कौन, बोले परिवार वाले। कौन है, परिवार वाले। परिवार वालों का पहला नंबर पत्नी की आई, जिसको सात फेरा लगा करके शादी किया था। पत्नी से पूछा साथ में चलोगी, बोले चलूंगी लेकिन दरवाजा तक चलूंगी। हमारे हिंदू धर्म में पत्नी कहां तक जाती है, कहां तक जाती है, आगे चलती है। बोले चलूंगी, ज्यादा बोलोगे चार ही कदम तो बढ़ा सकते, अभी तो दरवाजा तक भी नहीं चलती, एक जगह बैठकर रोती है, दरवाजा तक भी चलती नहीं है। इसलिए बोले वहां तक, परिवार वाले से पूछा कहां तक चलोगे, बोले अर्धी सजाएंगे, हाँ बढ़िया सजा करके राम नाम सत्य करते करते ले जाएंगे। बोले कहां तक, बोले शमशान तक। बोले फिर क्या, बोले खोपड़ी में घी भर करके जला करके उससे वापस आ जाएंगे। बोले आगे, बोले आगे और नहीं जा सकते। हाँ भी ध्यान देकर सुनो, जो काम की बात है, राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा नफरत, सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट कर कर काम, बेकार कोई काम की नहीं, लेकिन वही अंतिम समय में काम आती है। जीवन में हम किसको सबसे ज्यादा नफरत कर रखे, बोले भगवान के भजन को। बोलो भगवान का नाम जब समय का भजन के लिए समय कहा हमारे पास में, टीवी देखने के लिए समय, स्मार्टफोन चलाने के लिए समय, दूसरे की चुगली करते समय समय, लेकिन जब बोलो भगवान के भजन को समय कहा है, समय कहा हमारे पास में भजन करने की। लेकिन जो कुछ करो, जो अंतिम समय आए, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, हमारे भारत में क्या बोलते हैं, राम नाम, भारत में क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, बोलो जोर से, राम नाम, यही बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा। किसको सुनाते हैं, वो जो ऊपर लेटा हुआ व्यक्ति, उसको सुनाते सुनाते ले जाते, बोले बेटा जीवन में जितने तुमने राम का नाम लिया, जीवन में जितना है कृष्ण का नाम लिया, अभी तेरे साथ में वही जा रहा है, सब कोई बात झूठा है। इसके सिवाय तुमने दुनिया में जो कुछ किया है, केवल तुमने झूठे में जीवन बिताया। एक सुई धागा भी यहाँ से तेरे साथ में नहीं जा रहे है, एक सुई धागा भी तुम यहाँ से ले नहीं जा रहे हो। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम, बोला पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बस तू अमोलक दीमर सदगुरु कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने मीरा कहती है ना। इसका मतलब क्या है, बोले पायो जी मैंने, बोले मेरे को मिला पाया, बोले क्या पाए हो, बोले राम रतन धन पायो, जितने राम नाम रूपी धन को हमने लूटा है वही पाया, और जगत में सब ही खोवाया। बोले धन मिली कहाँ से, ये धन मिली कहाँ से, बोले दीम रे सदगुरु कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोले धन कैसे है, दूसरी लाइन में कहती है, बोले चोर नहीं लेवे लूटे नहीं जावे, दीन दीन बढ़त सवाल। ये ऐसे के धन है ना, जिसको पति करेगा तो पत्नी ले सकती है, पत्नी करेगा तो पति नहीं ले सकता है, पिता करेगा तो बच्चे अधिकार नहीं है, बच्चे करे तो पिता माता नहीं ले सकते। जो करेगा इसी जीवन में उसका मालिक आप ही बनोगे, और अगले जीवन में पूरा के पूरा उसका ब्याज समेत। मीरा कहती है दीन दीन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये धन कभी बढ़ेगी, कभी धन घटेगी नहीं, ये धन कभी घटेगी नहीं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने होंगे, ये भगवान है। एक दिन भक्तों ने निमंत्रण दिया, बोले प्रभु हमारे घर में भोजन है, बोले मैं सबको घर में भोजन नहीं करता, बोले किसको घर में करता हूँ, बोले जो लखपति बनेगा,
उसी समय में आज से 550 साल पहले लखपति मतलब जिस घर में 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा। भक्त लोग तो साधारण थे, बोले प्रभु हम तो कभी लखपति बन ही नहीं सकते, अब तो 100 रुपया भी हमारे घर में नहीं। 100 रुपया मतलब क्या है? जिसको घर में 100 स्वर्ण मुद्रा हो, क्या हमारे घर में नहीं खाएंगे? देखो ठाकुर जी क्या कहते, सबको बैठाए समझाए, बोले जानते हो असली लखपति कौन? बोले कौन? बोले रोज आना जो 1,00,000 ठाकुर का नाम जप करते। इसलिए मीरा दूसरी भजन में कहती है, ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाओ गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊ गली गली, ले लो रे कोई राम का आवाज लगाओ गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊ गली गली, जिन जिन ने यह मोती लोटे वे सब माला माल हुए, माया के जो बने पुजारी आंखियों का काल हुए, सोना चांदी माया वालों ने समझाओ गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊ गली गली, कोई। हम लोगों की भजन को प्राय आप लोग गाते होंगे सुनते होंगे, हमारे भारतीय लोग तो आप लोग संस्कारी है, सब सुनते गाते हैं भजन को। मीरा यही कहती है जिन जिन्होंने ये जो प्रभु का नाम और विधान को लूटे जगत में माला माल, बोले कौन? बोले हनुमान, दिन भर रघुपति राघव यही करते है ना। देखो जगत घर घर ध्वजा हो रही है, मीरा जी को देखो जगत में बहुत स्त्रियां हुई है, लेकिन मीरा जी को हम क्यों स्मरण करते हैं? वो भगवान के नाम जप करते थे। तुलसीदास को क्यों स्मरण करते हैं? नरसिंह भगत को भगवान के नाम धन को लूटे इसलिए जगत में अमर हो गए, जगत में अमर हो गए। इसलिए भैया कहते बड़ा बनना चाहते हो ना, भगवान के भक्त बनकर बड़े बन जाओ, प्रभु का नाम रूपी धन को लूटो, बस जगत में माला ही माला हो जाओगे। क्या हो जाओगे? आप लोग देखो कैसे माला माला हो जाओगे। मेरी तरफ में देखो, कुछ दिन पहले अमिताभ बच्चन का नाम जानते हो? कौन कौन जानते हो अमिताभ बच्चन? सब जानते हो। कुछ दिन पहले टीवी में आता था कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा? भगवान कहते कौन बनेगा लखपति? आप मेरे तरफ में देखो, लखपति कैसे बन सकते हो? भगवान खुद कहते ही बात को, ये माला में देखो जैसे ये अंगुल है ना, इसमें टच नहीं करते क्योंकि गंदा अंगुल, अब बोलता तुम देख लेंगे, सबसे पहले ये निकलता है, ये अहंकार का प्रतीक है, इसलिए बीच वाले अंगुल में रख करके आपको सब माला दे जाऊंगा एक एक। ध्यान देखो, देखो जो काम की बात को देखो, जैसे ये बीच वाला अंगुल में रख करके जैसे हरे कृष्ण बोलो मेरे साथ में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोल के ना एक मोती सरकता है, फिर दो बार बोलकर दो मोती सरकना है, तीन मोती सरकती है, जब यहाँ पर खत्म हो जाए इसको पार नहीं करते, पार नहीं करके फिर इसको घुमा देते हैं। हाँ देखो 1,00,000 कैसे होता है, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये 16 बार हो गया, एक बार नाम बोलते 16 बार हो गया, और उसमें 108 मोती है। अगर इसको हमने 16 राउंड कर लिया ना, उसका हिसाब से होता है 25,000 हो गया, अगर किसने 64 माला कर लिया तो 1,00,000 हो गया। भगवान कहते हैं बोले 1,00,000 माला नहीं किया, आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया फिक्स डिपोजिट होगी। भगवान खुद कहते हैं बोले भैया इसका ब्याज कितने मिलेगी, जैसे बैंक मेरे को ब्याज मिलती कि नहीं, कितना मिलेगी? मीरा कहती है दिन बढ़ता सवायो, आज अगर 1,00,000 किया ना कल तुमको 1,25,000 मिलेगी, और 4 दिन में 2,00,000, 4 दिन में इतने इसका इंटरेस्ट इतने जल्दी तेजी से बढ़ती है, और ये धन तुम्हारे ऊपर खाता में ना सारे डिपोजिट हो रही है। इसलिए कबीर का नाम सुने हो? कबीर दास का नाम सुने? कौन कौन कबीर का नाम सुने? सब जानते हो। देखो ये क्या कहते हैं, कहते वो कबीर कहते हैं मरने में सब जगह डरे मेरा मन आनंद है, कि दुनिया में सबके सब मरने के लिए डरते हैं। अभी कोरोना आ गया था ना, सबको घर में बंद कर दिया, कोई बाहर जा रहे थे क्योंकि मरना नहीं चाहते, लेकिन कबीर कहते मैं तो मरने के लिए खुश हो रहा हूँ। किसने बोले भैया तू मरने के लिए खुश क्यों हो रहे हो? तो कितना
कितना अच्छी बात कहते हैं। पर इसलिए मैं खुश हो रहा हूँ, जिंदगी भर मैंने राम का नाम जप किया है, भगवान का नाम मेरे को पता है, मेरे लिए माला माल है। बोले दूसरे लोग क्यों दुखी हो रहे हैं, मेरे प्रभु का भजन क्या नहीं ना, मरने के बाद पता नहीं कौन सा नरक में जाएंगे, भाई पर नदी पार करेंगे, कौन सा पेड़ पौधा, कौन सा जीवन है, बाबू ठीक नहीं, बड़े दुख कष्ट उठाना पड़े, इसलिए दुखी हो रही है। लेकिन मैं इसलिए सुखी हो रहा हूँ, कबीर कहते हैं मैंने जिंदगी भर मैंने प्रभु का माला जप की, मेरे को पता है मेरी लत माला ही माल है, माला ही माल है। इसलिए क्या कर रहे हो भगवान की, आपसे ऐसे प्रश्न करता हूँ, देखता हूँ कौन उत्तर देता है। चार बहुओं की कथा सुनाई, आप बताओ सबसे कौन सा बहू को ज्यादा प्रेम कर, कौन सा नंबर को? अरे बोलो भाई, बोल नहीं रहे हो, बोलो कौन सा नंबर की? चौथे नंबर की। कोई बोल रहे बड़ी, कौन बोल रहा था? सब मूर्ख है सब, ये माता के लिए ताली बजाओ, माता को समझ में सही आए। इसलिए सबसे जो छोटी रानी है, जिसको राजा जीवन में नफरत किया था, लास्ट में जो जाने के लिए तैयारी हो, कौन है? भगवान की नाम, भगवान की नाम। इसलिए उसी रानी को ही ज्यादा प्रेम में करनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए आप सबके माला देख रही जाऊंगा, हरि नाम करना सबके सब। थोड़ी समय जैसे पैसा कमाने में लगाते हैं, थोड़ी समय क्या करना, काम में जाने से पहले सबसे पहले जितने काम करते उसको थोड़ा पीछे रख लेना, ठीक है ना। पीछे रख करके सबसे पहले नहा धो करके ठाकुर को सामने बैठो, बैठ करके थोड़ी समय दो तीन माला कर, ठीक है ना। यही धन तो जाएगी ना, यही धन जाएगी। इसलिए पहले थोड़ी सी हरि नाम करके फिर दिन भर काम करना, ठाकुर को सेवा मान कर करो, दिन भर हरि नाम, दिन भर सेवा करते रहो, काम करते रहो। लेकिन भगवान के लिए तो थोड़ी सी समय निकालो, ठीक है ना। कौन निकालेगा भगवान के लिए समय? हाथ उठाओ, सभी निकालेंगे ना। बहुत अच्छी बात, माता जी बहुत अच्छी है, भावना अच्छी है। इसलिए आप सबके एक माला देकर के जाऊंगा, ठीक है। कितना माला माला है? पांच छह माला, ज्यादा माला नहीं लाए। इसलिए आप सबके लिए मैं माला भेज दूंगा अभी। इन कहीं माता जी रोज जाते हैं ना, ये माता जी घर की बेटी है ना, घर की बेटी है ना ये। इधर दो माला, दो इधर दो। ये जो माला को अपना मंदिर में रखना, ठीक है। मंदिर में रख करके जैसे बच्चे काम, इनके तुम्हारी घरवाली कौन सा, अब घरवाली कहाँ है? देखो इधर माता है, इनके जो घरवालिया है, ये जो यहाँ के जो पंच पांडवों की जो घरवाली है, जब ये ध्यान रखना, जब ये नहा धो करके जाएंगे काम में, इनको थोड़ी सी याद रखना, याद करना। क्या याद करना? बोले हरिनाम किया कि नहीं, पहले माला जप करो, फिर आपको भोजन मिलेगा। भजन के बगैर आपको भजन नहीं मिलेगा। देखो स्त्री का नाम दो स्वरूप शास्त्र ने बताया, एक महामाया जोग माया। जब ये महामाया रूप धारण करती है वो सीधा नरक ले जाती है, लेकिन जब जोग माया रूप धारण करती है सीधा गोलोक वृंदावन ले जाती है स्त्रियां। इसलिए आप जोग माया रूप धारण करते हुए पत्नी पति को भक्ति में मदद करना, जाने से पहले बोलना मंदिर में एक दो माला जप करो, फिर घर में भजन करो। जो घर में बच्चे हैं, घर में बच्चे कौन सबके सब कहाँ गए इस घर के बच्चे, है ना। ये बच्चों को भी जिनका पढ़ाई में देखना मन नहीं लगती है, पढ़ाई में उनको एक एक माला जब करवाओ, देखना उनका अपने आप मन भजन में लगेगा। और बच्चों के लिए हम जितने बच्चे, कहाँ से बच्चे, इधर सुनो बच्चों, इसलिए सवेरे सबके सब सवेरे उठ करके पहले पिता माता की चरण छूना। क्या करनी है बोलो जोर से, पहले पिता माता की चरण छूनी है। घर की जो बहुएं हैं, सबसे पहले ससुर एक है, एक तो ससुर सास भी है नहीं, इसलिए ससुर की घर में चरण छूते हो, कौन छूते कि नहीं छूते हो? हाँ, बहुत अच्छी बात, ताली बजाओ के लिए। कम से कम ससुर जी का चरण छूते, क्योंकि आपको देख करके ना बच्चे सीखेंगे, आपसे देख कर सीखेंगे ना। इसलिए बच्चों, ठीक है बच्चों, सवेरे पिता माता की चरण छूना, पिता को आशीर्वाद से ही हमारे फलोगे फूलोगे, है पढ़ाई भी बढ़िया होगा। और तुम लोग भी स्कूल जाने से पहले बच्चों को बोलना एक माला करके जाए, ठीक है माताओं, माताओं को बोलना तो एक माला बच्चा करो, एक माला करके देखना। जिस बच्चे माला करेंगे ना संस्कारी बनेंगे। अब मुसलमान बच्चों को देखो, हम तो दिल्ली की तरफ में रहते हैं, शुक्रवार का जी ने जोर जबरदस्ती उनको टोपी पहना करके बच्चों को लेकर रोड जाम कर देते हैं। ये मुसलमान का था, है अभी। अब देखना उनकी किसी बच्चे को, मैंने कहीं कथा करने गया था, एक 10 साल का बच्चा पतंग उड़ा रहा था, मैंने पूछा भैया तेरे नाम क्या है, उसने मुसलमान नाम बोला। मैंने पूछा तेरे कुरान आती है, छाती फुला कर
हाँ मेरे को पुराना आदमी बोले बोलो, वे पुराना बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा भैया तुम्हारे धर्म में कितने साल उम्र में कुरान सिखाते हैं? वो कहता है कंपल्सरी 2 साल उम्र में, कंपल्सरी। लेकिन हमारे बच्चों को पूछो गीता का कोई श्लोक है, रामायण का कोई श्लोक याद है? कुछ भी नहीं। बोलो कौन हीरो का नाम क्या, हीरोइन का नाम सब याद है। इसका मतलब क्या, हम संस्कार नहीं डालते। इसलिए भाग्य से कैसे जोगी तुम्हारे देश में आ गया, हमारे उत्तर प्रदेश में कैसे जोगी आ गई यहाँ पर, नहीं तो तुम्हारी जीना हराम कर देते सबके सब। जैसे कश्मीर छोड़कर पंडित भागे ना, अगर अभी से चेतनता नहीं बनोगे तुम भारत को निकाल देंगे तुमको यहाँ से। इसलिए बच्चों का अच्छे संस्कार डालो, अपना धर्म का प्रति निष्ठा है। आप देखना कोई भी मुसलमान कभी अपना धर्म पर अंगुल नहीं उठाता है, लेकिन अंगुल कौन उठाता, नालायक हिंदू ही अपना धर्म को पर अंगुल उठाते हैं। आप कभी भी नहीं देखो कोई एक मुसलमान को दिखा दो जो अपना धर्म को पर कभी अंगुल उठाते हैं, कहीं नहीं दिखा सकते हो। लेकिन कोई दिखाते कौन दिखाता है, हिंदू। और हम सनातन धर्म में जन्म लें, इतना दुर्भाग्य है। इसलिए अपने बच्चों को अगर अच्छे संस्कार डालो, पहले गुरु पिता माता है, पिता माता अगर भजन करेंगे बच्चे भी भजन करेंगे। जिस घर में बच्चे भजन करें, शास्त्र कहता है उसको 21 पीढ़ी उधार हो जाते हैं। कितना पीढ़ी उधार हो जाते हैं, 21 पीढ़ी उनकी उधार हो जाती है जिस घर में बच्चे भजन करें। अगर भजन नहीं करे तो देखो पुराण में कथा है, एक समय कोई एक जोगी पहुंचा स्वर्ग में। देखा एक व्यक्ति बहुत पुण्य कर्म करके स्वर्ग में आया, सोने के सिंहासन में बैठा हुआ, लेकिन स्वर्ग में भी वो रो रहा था, बेहोश हो रहा था। उसने पूछा भैया तू स्वर्ग में आकर क्यों दुखी हो रहे हो? देखो कितना अच्छी बात कहता है, बोले मैंने बहुत दान पुण्य किया इसलिए स्वर्ग में आया, पर यहाँ पर रो क्यों रहे हो, दुखी क्यों हो रहे हो? बोले मैंने बच्चों को सतमार्ग नहीं दिखाया, जिन बच्चों के लिए मैंने पैसा कमा करके आया था वो बच्चे उसी पैसे से शराब पी रहे, उसी पैसा से जुआ खेल रहे, मांस खा रहे। चूंकि मैंने ही वो पैसा कमा करके आया था और मेरे पैसा को गलत रास्ता पर लगा रहे हैं, उसका पाप मेरे को स्वर्ग में भी नहीं छोड़ रहा है। इसलिए इसका मतलब बच्चे जन्म दे देने पर सब कुछ नहीं। बताओ दुर्योधन गांधार के कितने बेटे थे, 101 ना, एक भी कृष्ण भक्त था। लेकिन कुंती के कितने बच्चे थे, 5। जैसे तुम लोग पंच पांडव हो गए, उनके 5 बच्चे थे लेकिन सब कृष्ण भक्त, सबके सब कृष्ण भक्त थे। इसलिए भागवत कहता है बच्चे जन्म दे देने पर कोई महत्व नहीं है। बच्चे को तुमने कैसे बनाया, कितना पैसा छोड़ कर गई, ये बड़ी बड़ी बात नहीं, बच्चों को क्या संस्कार दिया है इसको पर निर्भर करता है, ठीक है ना। इसलिए घर में नियम बनाओ, जब तक माला नहीं करके घर में खाना किसको नहीं मिलेगा, ये नियम बना दो, ठीक है। घर के मेन आदमी तो प्रभु जी है, और बड़े भाई कौन है घर में, ये आपको पर मैं दायित्व देकर जा रहा हूँ। सब भाइयों को तुम युधिष्ठिर रहो करके, इसलिए युधिष्ठिर है ना, इसलिए अभी सारे भाई को और जितने बहु है, कितने बहु है, बहुए है कि नहीं, जब तक माला नहीं करना एक दो दो, बच्चों को खाना नहीं देना, तुम भी भोजन नहीं करना, पतियों को भी भोजन करने नहीं देना, ठीक है ना। इतना तो याद करा सकते हो, 10 मिनट तो ठाकुर के लिए दो, 10 मिनट तो ठाकुर के लिए, ठाकुर जी के लिए तो 10 मिनट दो, ठीक है ना। आज से आपका घर जिस घर में बच्चे परिवार भजन करते हैं ना, वही वृंदावन धाम है, वही अयोध्या, वही वृंदावन धाम है। और एक चीज है, मुझे लगता है आप लोग कोई गंदी चीज नहीं लेते, प्याज लहसुन खाते होंगे ना, सही सही बोल दो, खाते हो प्याज लहसुन इस घर में, खाते हैं प्याज लहसुन, सही सही बोल दो ना, कभी कभी खाते हैं नहीं घर में। हाँ देखो घर में ना, देखो देखो ये गीता की श्लोक है, ध्यान देखो गीता की श्लोक, कृष्ण कहते हैं बोले इधर सुनो, कहते भुंजन्ते तु अघम पापा जे पचन्ति आत्मकरणात्। बोले अर्जुन जो अपना लिए बनाता है, मेरे को भोग नहीं लगा कर खाता है, वो पाप भोजन करता है। लेकिन जो व्यक्ति मेरे को भोग लगा कर खाते हैं, कृष्ण कहते हैं प्रसादे सर्प दुखानाम, मेरे को जो भोग लगा कर खाएगा उसको घर में कोई दुख कष्ट नहीं आएगा, कृष्ण खुद कहते हैं। सुदामा का नाम जानते हो, सुने कि नहीं, ये गर्वी क्यों बना है, क्योंकि जब गुरु माता चाना दे करके भेजा जंगल में, भगवान को बिना दिए छुपा कर खाया, इसलिए गरीब बना, धनी कब बना, जब भगवान के लिए 2 मुट्ठी चिड़वा लेकर गए ठाकुर, 2 मुट्ठी खाए त्रिभुवन का राज्य ठाकुर जी दे दिए। इसलिए भगवान को दे कर खाओ ना, घर में लक्ष्मी की कृपा होती है, लक्ष्मी। लेकिन अगर प्याज लहसुन डालोगे तो भोग नहीं लग सकती है। इसलिए जैसे नवरात्रि आती है ना, 9 दिन तो कोई प्याज लहसुन खाते नहीं, नहीं खाते ना,
क्या नौ दिन तक दुर्गा दुर्गा फिर मुर्गा मुर्गा। अब बताओ जो माता जी को नहीं पसंद इसलिए तो नौ दिन तक नहीं खाती है ना, क्या मैया को नौ दिन के लिए खुश रखना, खा कर नाराज हो फिर कर दो? नहीं, जो चीज माता जी को पसंद नहीं, जो ठाकुर को भोग नहीं लगता, जो शंकर जी को पसंद नहीं, हनुमान जी को पसंद नहीं, वो चीज हमें भी पसंद नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए पुराण पढ़ करके देखना, ये जो प्याज है ना गैया का मांस से सृष्टि हुआ है, जो लहसुन है गैया की हड्डी से बना है, गैया का खून से ये मसूर का दाल बना है। अब एक दो पीढ़ी देख लेना, तो पहले किसी हिंदू घर में ये चीज नहीं आती थी, अब बोलोगे फिर हमारे घर में कहां से आ गई? देखो ध्यान देकर सुनो, कैसे हमारे घर में आए? ये मुसलमानों ने देखा, सबको हम मुसलमान बनना चाहते हैं, तो कैसे बनाए? हम लोग कोई हिंदू गौ मांस खाते हैं? अब बताओ कोई कोई गौ मांस खाते हैं? कोई नहीं खाते। उन लोगों ने देखा ये तो गौ मांस खाएंगे नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट एक गौ मांस खिला दो फिर इनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए उन लोगों ने शास्त्र को ढूंढे, देखा ये गैया का मांस से ये प्याज बना हुआ है, गैया की हड्डी से लहसुन बना है, गैया की खून से ये मसूर का दाल बना। मतलब अगर किसी तरह से इनको ये भोजन करा दिया, धर्म खत्म, धर्म खत्म हो जाएगा। इसलिए उन लोग इनडायरेक्ट ये सब चीज कौन लाए हैं भारत में? यही लोग लाए, जितना मांस मछली अंडा जितने प्याज सब यही लोग लाए, मुसलमान लोग लाए हैं, मुगल लोगों ने सब चीज को लाए। हमें धीरे 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 पहले प्याज खाकर पेट नहीं भरेगा, मतलब अंडा ले आओ, अंडा खाकर पेट नहीं भरेगा, मतलब मांस ले आओ घर में, हो गया धीरे धीरे ये आदत बिगड़ते जाएगी, ठीक है ना। कोशिश करना ये चीज को घर में मत घुसाओ, ठाकुर के कुछ जैसे खाओगे और ना वैसे बनेगा मन। अगर भगवान को भोग लगा कर खाओगे ना तो ना मन भी शुद्ध रहेगा, अपने आप भजन में मन लगेगा। प्याज लहसुन खाओगे तो मन लगेगा नहीं तुम्हारी भजन में, क्योंकि तामसी की वस्तु है, तामसी की वस्तु खाने से मन लगेगा नहीं भजन में, ठीक है ना। क्या करना है? भगवान को भोग लगा करके खाना, प्याज लहसुन घर में नहीं घुसाना, ठीक है। ये माला दे रहा हूँ अब पिताजी को दे रहा हूँ एक, ये माला जब करना बड़े भाई को एक दे रहा हूँ, इधर इधर तो आपको दो तीन दे देता हूँ, आप लोग है ना रख करके देख लो, माला निकालो देख लो, ये अंगुल को टच मत करो, ये अंगुल को बाहर ऐसे 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 देखो ठीक से, हाँ ऐसे उसको पार करो, इसको इधर पार करो ऐसे, जैसे हरे कृष्ण बोलो एक बार, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बोलते ना एक मुद्र सर के ना, ठीक है। अरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखो इसका दो अर्थ है, हरे मतलब होता है राधा रानी, कृष्ण का मन को जो हरण करती है, कृष्ण मतलब कृष्ण राधा कृष्ण, ये एक विशेष अर्थ। साधारण अर्थ क्या है? हरे मतलब होता है हरि का नाम लेते ही जीवन का सारे दुख कष्ट जो हरण कर ले, कहते ना हरि का नाम लेने से क्या होगा, समस्त दुख कष्ट हरण हो जाएगा, इसलिए हरि। बोले कृष्ण कृष्ण मतलब क्या? अब देख लेना घर में सब चीज है, लेकिन कभी कभी मन को शांति नहीं मिलती, मन अशांत रहता है। ये क्री मतलब होता है आकर्षण करना, स्ना मतलब आनंद ना, जब कृष्ण नाम जप करेंगे ये मन को शांति मिलेगी, क्या मिलेगी मन को? शांति। बोले राम मतलब क्या? बोले जीवन में आराम मिलेगा, क्या मिलेगा जीवन में? आप बताओ जीवन में हम क्या चाहते हैं? यही तो चाहते हैं ना, जीवन में शांति मिले, सुख मिले, दुख कष्ट दूर जाए, ये हरि नाम से कहते ना सब दुख दूर जाए जब तेरा नाम लिया, ठीक है ना। ये प्रभु का नाम से सब कुछ इसी से ही मिलेगा तुमको, जीवन में सारे संपत्ति सुख सब इसी से ही मिलेगा, ठीक है ना। ये माला को ऐसे नहीं जब नहीं किया, मैं खबर लूंगा प्रीति से ये जो माला कर रहे नहीं, ठीक है प्रीति तुम भी आकर बीच बीच को सिखाते रहना, पहले तो तुमको करना पड़ेगा और ये भैया करेंगे, ठीक है। बोले शिव वृंदा खड़े जा, एक होली गाते, एक होली कीर्तन सुन लो, फिर इसके बाद में प्रसाद पाएंगे, ठीक है। और होली के रसिया की सुना, और दो माला है और कल आपस है कौन खेले Oh, I'm gonna take it back to the
आई रे आई रे होली।